गाइस कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स वेलकम है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स आज हम जाने वाले हैं पानी की ढूंढ। और तो दोस्तों इस साल बारिश ने तो बुरे हाल कर दिए, और जैसे ही बारिश हो रही है तो ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऊपर तो टॉप में तो बर्फबारी भी हो रही है, और उसका असर सीधे नीचे नीचे के गाँव पर हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यार जैसा भी हो लेकिन बारिश सबसे ज़रूरी है हमारे लिए हर चीज़ में, उसके लिए खेती के लिए, पानी पीने के लिए। पानी भी बारिश होने से पानी का स्तर भी थोड़ा बढ़ जाता है, और आने वाले टाइम के लिए पानी स्टोर हो जाता है पेड़ों के लिए, और हर चीज़ में हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए फ्रेंड्स ठंडा तो है लेकिन बारिश की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ पानी के स्रोत के पास, और देखते हैं वहाँ पर कितना पानी बढ़ा हुआ है, और इस बारिश से कितना पानी इम्प्रूव हुआ है उसमें, और कितना ठंडा है पानी और कैसा है स्वाद में। तो मैं आपको ले चलता हूँ पानी के स्रोत पे, जहाँ पे बरसात में पूरा गदेरा आता है, लेकिन अभी इस टाइम पे मार्च अप्रैल मई जून जून के बाद ही पानी बढ़ता है। तो अभी तो कम है लेकिन बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है गदेरे में। थोड़ा पानी रिजर्व है, इसको खाल बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली भाषा में। ये जानवरों के लिए बना रखी थी और इसमें काई जम गई है। तो यहाँ पे तो सिर्फ जानवरों के लिए ये पानी है, वो पानी पीने के लिए हमें और ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ही ये पानी आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये पानी ऊपर से आ रहा है तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ ऊपर, जैसे आपको दिख रहा होगा वहाँ। तो हम चलते हैं अब ऊपर, देखते हैं कि कितना पानी वहाँ पे है और आ रहा है एक्चुअल में। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे पानी, और ये ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से आ रहा है ये रिस्क है। तो फ्रेंड्स ये पानी गंदा नहीं है, ये पानी है पीने लायक। तो हम देखते हैं ये कितना ठंडा है। ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा ठंडा है यार फ्रेंड्स ये पानी, मैं आपको बता नहीं सकता कितना ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रिज के अंदर से निकाला होगा अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी काफ़ी कुछ दिनों के बारिश से काफ़ी ठीक ठाक बढ़ गया है, लेकिन फ्रेंड्स जो 10 साल पहले या 5 साल पहले का पानी रहा होगा उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। इसका मेन कारण है कि हमने प्रकृति के साथ कितनी छेड़खानी कर दी है, और पर्यावरण प्रदूषण कर दिया है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए पानी ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यार फ्रेंड्स कि यहाँ पे पानी कुछ दिनों से थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बारिश भी इस साल ठीक ठाक हुई है। लेकिन फ्रेंड्स जो अब इतना पानी इस टाइम पे इतने कम क्वांटिटी में है अभी, तो आप खुद ये अनुमान लगा लो कि 10 या 20 साल बाद तो क्या हालत होने वाली इस पानी की। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगले 100 साल या 200 साल वालों के लिए पानी भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। उस टाइम पे जैसे आज की डेट में पेट्रोल के रेट और भाव हैं, तो उस टाइम पे पानी के भी इतने ही रेट होंगे, और पानी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली खरीदना पड़ेगा पीने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो हमें अभी से अपनी पीढ़ी के लिए ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि हम पानी को कैसे बचाएँ, और उस चीज़ को काफ़ी आगे के लिए हम इसको संरक्षित कर सकें, स्टोर कर सकें, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मुझे मेरी आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब लोगों तक ये मतलब मेरा मैसेज पहुंचे, और मैं भी खुद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो मैं ये ब्लॉग इसीलिए बनाना चाहता था कि आप लोगों के लिए भी
कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और पानी के बारे में। पहाड़ के लोगों के लिए भी अब आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ पानी ही चाहिए, इसलिए भी कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ही पानी चाहिए। हम तो जैसे तैसे करके गुजार लेंगे दिन फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी 10 साल 50 साल 100 साल 200 साल, लेकिन यार उस टाइम तक तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी और लोग पानी के बिना मर जाएंगे। तो हमें अभी से इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर पहले कुछ साल पहले 10 साल 5 साल पहले तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब फ्रेंड्स काफ़ी कम हो गई। जैसे कि आज मैं पानी के स्रोत पे गया तो इस साल की बारिश से तो ठीक ठाक ही पानी, मतलब पानी का स्तर ठीक हो गया था पिछले साल से और पिछले कुछ सालों से, तो इस साल काफ़ी इम्प्रूव हुआ पानी में। लेकिन फ्रेंड्स यार, जो 10 साल पहले पानी था वो अब नहीं है, क्योंकि अब हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो पानी का स्तर भी बहुत कम हो गया है पिछले के टाइम से। लेकिन हमें फ्रेंड्स इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, पेड़ को लगाना पड़ेगा और नेचर का ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग पेड़ ज़्यादा काटते हैं और लगाते कम हैं और नुकसान ज़्यादा करते हैं नेचर का, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें नेचर से लव करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा और उसको हर चीज़ में अपना सपोर्ट देना पड़ेगा और अपना हाथ बटाना पड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। तो मेरा ये ब्लॉग इसी पे होने वाला है।